सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है कुसुम रावत और स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों, मैं हो रुकी हूँ रेडी और आज ना बहुत लंबे समय बाद मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आज मैं आप लोगों को होम टाउन का शेयर करवा के लेके आती हूँ। तो अभी ना मैं टाउन के लिए निकल चुकी हूँ और हस्बैंड साहब पहुँच गए हैं गाड़ी के पास, तो चलते हैं। और बहुत तेज़ धूप लगा हुआ है यार बाहर, है ना। लेकिन ना आज कुछ सामान भी लाना है हमें, इसलिए जाना पड़ रहा है। हेलो हेलो, कुछ बोलना चाहोगे मेरी यूट्यूब फैमिली को? घर में आके कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घर में तो अच्छा लग रहा है। और क्या, हाँ धूप कितनी तेज हो रही ना। धूप तो कड़ी है लेकिन गांव में ठंडा है। हाँ गांव में मतलब ठंडी हवा चलती है, धूप तेज होने से भी ना ठंडी हवा मतलब अच्छी सी अच्छी हवा चलती है। तभी हस्बैंड साहब स्कूटी स्टार्ट करेंगे तो हम चलते हैं। अभी तो हमारे गांव में ना घर के सामने में ही रोड आ गई है, तो काफी सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है कि अभी घर आना जाना करते रहेंगे क्योंकि रोड आ गया है तो मुश्किल नहीं है। पहले ना हम लोग पैदल जाना पड़ता था तो घर आने का भी मन नहीं करता था, कैसे जाएंगे पैदल, है ना, क्योंकि बहुत चढ़ाई है हमारे गाँव के लिए। ये रोड है तो कितना मतलब अप है ना, कि पता नहीं, तो ऊंचाई पे है बहुत ज्यादा। जय हो डोखाल की देवी। ये है हमारे गांव का जंगल। पहले ना हम इसी जंगल में घास काटने के लिए आते थे, मतलब बहुत घास काटा है हमने इधर से। और स्कूटी में बैठने से ना ठंडी हवा चल रही है एसी जैसा, क्योंकि हमारे गांव में इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि ये बांज के पेड़ है, बांज के पेड़ ज्यादा है ना हमारे गांव में, इस चक्कर में बहुत ठंडी हवा चलती है। पत्थर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं रोड में। तो यहाँ पे ना हस्बैंड साहब को मैंने थोड़ा स्कूटी रोकने के लिए बोल दिया है और इस तरफ के लिए कैमरा घुमाएंगे ना, तो इस तरफ ठीक हमारे गांव के नीचे ना ये जवाड़ी गांव पड़ता है जो कि काफी गहराई में है यार। और ना जो ये टॉप में दिख रहा है ना, इसके ऊपर पड़ता है हमारा गांव डुंगरी गांव। तो दोस्तों, ये है हमारा होम टाउन। हमारे होम टाउन का नाम है रुद्रप्रयाग और हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा होम टाउन है। काफ़ी दूर है यार। और यहाँ पे संगम है और ठीक ऊपर में शिवालय है और अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पे दो नदियों का संगम है। और जो आगे दिख रहा है ना, यहाँ पे बन रही है सुरंग, जो कि बहुत बड़ी सुरंग बन रही है। यहाँ से ना
होम टाउन शुरू हो गया है और ये है हमारे होम टाउन का पुल जो कि गाड़ी का पुल है और बहुत साल पुराना है और अभी इसका ना मेंटेनेंस किया गया है। अभी हम लोग आए हुए हैं स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए। अभी ना मैं यहाँ पे मामा जी की दुकान में आई हुई हूँ और यहाँ से ले रही हूँ मैं फ्रूट्स और ये ठीक यहाँ पे ये है मामा जी का दुकान का लोकेशन। ये है हमारा होम टाउन और जो कि ना आजकल बहुत काफ़ी भीड़ भड़ाका है यार, क्योंकि आजकल चल रहा है यात्री सीजन तो उस चक्कर में एकदम टाउन में बहुत भीड़ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा है। यहाँ पे बहुत साल पुराना ये पीपल का पेड़। यहाँ से ना मैं 1 kg मिठाई लूँगी, मिक्स मिठाई, तो चलिए और मिक्स मिठाई ले लेते हैं। और हमारे उत्तराखंड में ना कहीं पे भी जाओ आप तो मतलब अच्छा मिठाई बनाई होता है ना। अभी ना हम लोग अपने ननंद के पास आए हुए हैं और बीच वाली ननंद है मेरी और ये मेरी ननंद की लड़की है पिंकी। हाय 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 ननंद जी यहाँ पे दुकान में रहती है तो घर पे नहीं जा पाए क्योंकि वो जल्दी दुकान में आ जाती है तो उस चक्कर में हम उसके दुकान में ही यहाँ पे आए हुए हैं। सुमन हाय, सुमन हाय, कथे बजे तू कथे बजे क्या क्या सिल लेती है? सब कुछ, सब कुछ, ब्लाउज पेटीकोट सब मॉडल मॉडल के ना टेलर फैशन वाले कपड़े सिलती है मेरी ननंद और एक से एक डिजाइन जो भी डिजाइन दोगे ना वो डिजाइन बना के वो आपको देगी। तो अभी ना हम लोग अपनी ननंद से भी मिल गए हैं और पिंकी आ रही है, पिंकी हमारे घर आ रही है। तो पिंकी का आने का मन भी है लेकिन पिंकी की मम्मी अकेली किसके साथ रहेगी, है ना? कल आना ठीक है। तो हम इनको इनसे अभी विदाई लेते हैं क्योंकि हम लोग घर में नहीं जा पाए, दुकान में ही आए हैं। चल सुमन, बाय पिंकी। तो दोस्तों अभी हम घर जाने बैठ गए हैं और बहुत धूप हो गया है यार ना, और आजकल ना टाउन भी पूरा नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि इतना बहुत एक तो धूप है और दूसरा आजकल केदारनाथ यात्रा चल रही है ना तो उस इस टाइम पे यात्री सीजन बहुत होता है तो गाड़ियों का इतना भीड़ भड़ाका है तो ब्लॉग भी मैं उतना नहीं बना पाई और गर्मी भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और एक तो मैं रोड दिखाती हूँ अपने गाँव का, खतरनाक है यार क्योंकि हस्बैंड साहब भी स्कूटी जैसे तैसे मतलब स्कूटी भी नहीं खींच पा रही है यार, मतलब इतना तेज खराब रोड है और चढ़ाई है एक तो हमारे गांव के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना रोड। तो दोस्तों अभी ना हम लोग ना अपने गांव के बीच रोड में रुके हुए हैं क्योंकि बहुत तेज धूप हो गई है और हस्बैंड साहब यहाँ पे पानी पी रहे हैं और स्कूटी भी ना हमने यहाँ पे खड़ी कर रखी है क्योंकि स्कूटी भी ना नहीं खींच पा रही है यार दो लोगों को क्योंकि बहुत चढ़ाई है और अभी भी ऊपर जाना है हमें और टॉप उससे भी उस तरफ जाना है यार, बहुत मुश्किल हो गया है। हम यहाँ पे 10 मिनट से रुके हुए हैं और पता नहीं स्कूटी हम दोनों को खींच पाएगी कि नहीं। फिर भी हम ना वो नीचे रोड दिख रही है ना वहाँ से आए तो ये रोड इधर से आके यहाँ पहुँची मतलब और जाएगी सीधे ऊपर खड़ी चढ़ाई। इतना मुश्किल हो गया है ये स्कूटी को, स्कूटी में मेरे को लग रहा जान ही नहीं है सच में क्योंकि दो आदमियों की
दो आदमी को नहीं खींच पा रही है क्योंकि बैग भी है, सामान भी है, उस चक्कर में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी हम लोग चीड़ के पेड़ है ना, उसके ठीक नीचे छाया पड़ी हुई है, तो छाया में है, अदरवाइज कहीं भी छाया का नाम नहीं है यहाँ पे। हम तो मैंने ना ये बहुत धूप हो रही है तो मैंने ये मतलब मुंह पे लपेटा हुआ था क्योंकि इतनी सनसेट पड़ रहा है ना, बाप रे। मैंने ना सनस्क्रीन भी लगाया था, कोई असर नहीं होने वाला, पूरा जल गया। उत्तराखंड आके तो पूरा ज़्यादा ही जल गया है फेस। और हस्बैंड साहब का तो इतना काले कलूटे हो गए ना ये भी, है ना, काले कलूटे बैंगन लूटे, है ना। तो चलिए यार, छोटा सा मिनी सा ब्लॉग बनाया मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।